एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने कुछ नया काम करके दिखाया और ये काम बहुत अच्छा लगा है मुझे। जी हाँ दोस्तों, कटरीना कैफ ने इस मुश्किल भरे माहौल में 100 जो बैकग्राउंड डांसर्स हैं उनको मदद की है फाइनेंशियली। जी हाँ, इनके अकाउंट्स साझा किए इन्होंने और डायरेक्टली इन सबके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लिमिटेड ही ट्रांसफर किए हैं, लेकिन हाँ उस अमाउंट से कई सारे जो बैकग्राउंड डांसर्स हैं जिनके पास 5-6 महीने से कोई काम नहीं है, वो उसमें से कुछ का ये कहना है कि वो सब्जी बेच देना चालू कर दिए है, कुछ का ये कहना है कि वो रोड पे ठेले लगाने चालू कर दिए। यानी कि जिस तरह से भी जो कोई खुद की मदद कर सकता है वो करे, क्योंकि डांस के अलावा इन सभी को कुछ आता नहीं है। और फिलहाल डांसर्स जो है बैकग्राउंड डांसर्स, उन्हें तभी काम मिलेगा जब प्रॉपर शूटिंग चालू होगी, और उसके बाद भी वो भी उनकी जो जरूरत पड़ती गानों में पड़ती है या अवार्ड शोज में पड़ती है, ऐसी सब चीज़ों में पड़ती है जो फिलहाल ना के बराबर है, जिसके खुलने में और भी 3-4 महीने का वक्त जा सकता है। तो ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिस किसी तरह से वो अपना अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट जो एक ऐसे डांस ग्रुप को चलाता है, मतलब ऐसा है ना, टेक केयर करता है, उन्होंने थैंक किया है कटरीना कैफ को कि उन्होंने ये पैसे ट्रांसफर किए हैं। और मुझे खुशी है कि सलमान खान की राह पर, अक्षय कुमार की राह पर बाकी जो लोग हैं वो भी चल पड़े हैं, और जो हीरोइंस में से है पहली हीरोइन कटरीना कैफ है जिन्होंने इतने बड़े अमाउंट की मदद की है और 100 बैकग्राउंड डांसर्स के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मुझे उम्मीद है बाकी लोग जो एक्ट्रेस है वो भी इसी तरह से बाहर आए और लोगों को सपोर्ट करे, और इवन कंगना रनावत जो आप इतना कहती, तो प्लीज़ आप भी इस तरह की मदद करिए ताकि आपके लिए ऊपर जो आलोचनाएं हो रही वो भी शायद थोड़ी कम हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कटरीना कैफ की इस मूव से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है सभी फैंस भी खुश होंगे, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा कटरीना कैफ ने आखिर किया है।